इंडियन रेलवेज़ वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क रेलवे का, जिसमें एवरीडे इतने सारे लोग ट्रेवल करते हैं जो कई देशों की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। अगर छोटे मझोले देशों को देख लिया जाए तो उनकी जितनी ओवरऑल पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा तो इंडियन रेलवे में रोज़ ट्रेवल करते हैं। 10,000 से ज़्यादा ट्रेनें, 8,000-8,500 से ज़्यादा स्टेशन, करीब 13-14 लाख एम्प्लॉइज़, ये सारा कुछ मेंटेन होता है रेलवे से, जो कि लाइफलाइन है इंडिया की। अगर रेलवे एक दिन भी बंद होती है तो अरबों खरबों करोड़ों रुपए का लॉस हो जाता है, बहुत सारे लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने से रुक जाते हैं और बहुत नुकसान होता है। रेलवे रेगुलर एवरीडे ऑपरेशंस के अलावा त्योहारों में भी अलग अलग ऑपरेशंस करती है, यानी कि ट्रेनें चलाती है लोगों को इधर से उधर ले जाने में, एक्स्ट्रा रश मेंटेन करने में। इन द सेम वे रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है और इंदौर से निज़ामुद्दीन के लिए स्पेशल रक्षाबंधन स्पेशल फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चला रही है रेलवे एक एक फेरे के लिए। अभी फ़िलहाल मैं देखूं, जस्ट IRCTC पे चेक भी किया हूं तो इसकी टिकट्स ओपन हो गई हैं बुकिंग के लिए, और वहीं से मैं पूरा शेड्यूल आपके लिए लेके आया हूं कि ये ट्रेन कब कहां कितने बजे पहुंचेगी, क्या नंबर है, क्या डिटेल्स है, वो सारी चीज़ें आइए जान लेते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन। निज़ामुद्दीन से इंदौर और इंदौर से निज़ामुद्दीन, यानी कि दिल्ली टू इंदौर, इंदौर टू दिल्ली चलेगी। ये रेगुलर जो ट्रेनें चलती हैं उसके अलावा ये एक्स्ट्रा ट्रेन है, स्पेशल ट्रेन है, जो कि त्यौहार के लिए एक एक फेरे के लिए चलाई जा रही है। 04412 जब ये चलेगी निज़ामुद्दीन से इंदौर, और 04411 जब ये इंदौर से निज़ामुद्दीन चलेगी। निज़ामुद्दीन से इंदौर कब चलेगी? 14 तारीख को, और इंदौर से निज़ामुद्दीन चलेगी 15 तारीख को, मतलब वही ट्रेन आएगी और वही ट्रेन चली जाएगी। आइए जान लेते हैं कब चलेगी निज़ामुद्दीन से। निज़ामुद्दीन से चलेगी 14 तारीख को रात को 23:15 पे, यानी कि 11:15 रात को चलेगी। 2:25 पे ये मथुरा पहुंच जाएगी, 2:58 पे ये भरतपुर आ जाएगी, 4:18 पे ये गंगापुर सिटी पहुंच जाएगी, राजस्थान होते हुए आएगी, और सब जगह 2 से 5 मिनट का स्टॉप है, ज़्यादा नहीं है। 5:03 पे ये सवाई माधोपुर पहुंच जाएगी, 6:25 पे ये कोटा जंक्शन पहुंच जाएगी। रामगंज मंडी का टाइम इसका 7:33 का है, 7:30 के आसपास का है, 7:33 का। 8:18 पे ये शामगढ़ पहुंच जाएगी, 10:05 पे नागदा पहुंच जाएगी, MP एंटर कर जाएगी, 11:20 पे ये उज्जैन पहुंचेगी, और 13:00 यानी कि दोपहर में 1:00 ये इंदौर पहुँच जाएगी। आगे 2 घंटे रुकेगी, साफ सफाई होगी या जो भी होगा, 2 घंटे रुकेगी, और अगेन 15 तारीख को, 15 को ही पहुंचेगी, 14 की रात को चल के 15 को दोपहर में 1:00 पहुंचेगी, और 3:00 वापस निकल जाएगी इंदौर से। उज्जैन पहुंचेगी 4:15 के आसपास, 16:15 पे टाइम है। नागदा पहुंचेगी 18:10 पे, शामगढ़ पहुंचेगी रात को, शाम को 7:38 पे, रामगंज मंडी 23:23 पे रामगंज मंडी पहुंचेगी, कोटा पहुंचेगी ये 21:35 पे, लगभग 9:30 जाएगा। सवाई माधोपुर 22:58 पे आ जाएगी, लगभग 23:00 11:00 रात को। गंगापुर सिटी 23:45 पे पहुंचेगी ये। भरतपुर पहुंचेगी रात को 1:08 पे। मथुरा पहुंचेगी 2:15 पे, और निज़ामुद्दीन पहुंच जाएगी 4:40 पे भोर में। तो 12-13 मैक्सिमम 14 घंटे की ये जर्नी है एक तरफ की। 14 तारीख को चलेगी निज़ामुद्दीन से इंदौर के लिए, और 15 तारीख को चलेगी इंदौर से निज़ामुद्दीन के लिए। गाड़ी नंबर देख लें, 04412 और 04411 जब ये इंदौर से निज़ामुद्दीन चलेगी। टोटल नंबर ऑफ स्टॉपेजेस हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। टोटल स्टार्टिंग से लेके एंड तक 11 स्टॉपेजेस हैं जहाँ पर ये ट्रेन रुकेगी। 12-13 घंटे की जर्नी है 14 तारीख को निज़ामुद्दीन से, और 15 तारीख को ये इंदौर से चलेगी। इसकी टिकट्स ओपन हो चुकी हैं IRCTC पे, मैंने पर्सनली चेक किया है, और वहीं से IRCTC ऐप से ही ये पूरा शेड्यूल मैं नोट करके आपके सामने ला रहा हूँ। अगर आपको रक्षाबंधन में इंदौर से निज़ामुद्दीन या निज़ामुद्दीन से इंदौर ट्रैवल करना है 14 और 15 तारीख को, 14 को निज़ामुद्दीन से और 15 को इंदौर से, तो आप इस ट्रेन में टिकट करा सकते हैं। टिकट्स ओपन हो चुकी हैं और पर्सनली मैं देख के कर रहा हूँ, ये कल ही यानी कि एक दिन पहले ही अनाउंस हुई है, और आज आपके सामने इसकी इन्फॉर्मेशन ले आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।